ओम नमः शिवाय। आप सभी को महेश स्वामी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जानेंगे महेश स्वामी का पर्व कब मनाया जाएगा, साथ ही जानेंगे इस पर्व के नियम और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पर्व है महेश स्वामी। ये भगवान शिव की आराधना का दिन है। जब शिव भक्त पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, महेश स्वामी का ये पावन पर्व जेठ माह के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को मनाया जाता है। और जानते हैं इसका महत्व। महेश स्वामी का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महेश्वरी समाज के पूर्व क्षत्रिय वंश के थे, जिन्हें एक बार ऋषियों के श्राप से भगवान शिव ने मुक्त किया था। महादेव ने उन्हें अहिंसा का मार्ग दिखाया और अपनी कृपा से महेश्वरी नाम प्रदान किया। महेश स्वामी के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भोलेनाथ का विशेष रूप से जलाभिषेक करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है और शिव मंत्रों और चालीसा के पाठ से भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। इस पावन दिन का श्रद्धालुओं के जीवन में गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि शिव तत्व के प्रति समर्पण और आत्मिक उत्थान का प्रतीक भी है। महेश स्वामी हमें भगवान शिव असीम कृपा और उनके प्रति कठोर भक्ति का स्मरण कराती है। और बात करें धार्मिक महत्व की, तो महेश्वरी समाज के लिए महेश स्वामी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस उत्सव की मनाने की तैयारी लगभग 3 दिन पहले से आरंभ हो जाती है, जिसमें कई प्रकार के धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इस लोग जय महेश के जयकारे लगाते हैं। महेश नवमी के अवसर पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो ये था इसका महत्व और अब जानते हैं महेश नवमी के देव। महेश नवमी 15 जून 2024 को है। महेश नवमी का उत्सव महेश्वरी समाज में महेश्वरी वंशोत्पत्ति दिन के रूप में विशाल स्तर पर मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को महेश्वरी समाज का संस्थापक माना जाता है और इसकी तिथि पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि 15 जून 2024 को प्रातः 12:03 पर शुरू होगी और इसका समापन 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 पर होगा। इस दिन का शुभ समय सुबह 7:08 से लेकर सुबह के 8:52 तक है। इस बार महेश नवमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। महेश नवमी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ये योग सुबह 8:14 पर बन रहा है और अगले दिन यानी कि गंगा दशहरा पर सुबह 5:23 पर समा होता है। और रवि योग में भगवान शिव की पूजा करने से स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। रवि योग के साथ महेश नवमी पर वरियान योग भी है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर वरियान योग बन रहा है। ये योग शाम को 8:12 से बन रहा है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वरियान योग में भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं और इस शुभ दिन पर शिव वास योग है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को शिव वास योग बन रहा है। ये योग पूरे दिन रहेगा। ये योग 16 जून को सुबह 2:32 पर समाप्त होगा। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से भक्त को मन चाहा वर मिलता है। इसके अलावा बालों और कौलों करण का भी योग बन रहा है। तो ये थे महेश नवमी के दिन के शुभ योग। और अब जानते हैं महेश नवमी व्रत करने से क्या लाभ होता है। महेश नवमी हिंदू
धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो जेठ महादेव शुक्ल पद की नौवीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही महेश नवमी के दिन शिवलिंग पर जल दूध भांग फूल बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन 21 बेलपत्र पर ओम लिखकर चढ़ाने से इच्छित फल प्राप्त होता है और महेश नवमी का व्रत करने से भगवान शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और इस दिन दान पुण्य करने से भी पुण्य फल मिलता है। और अब जानते हैं महेश नवमी के पूजन का विधि विधान। महेश नवमी के दिन भगवान शिव का परिवार सहित तथा शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया जाता है। साथ ही भगवान शिव जी को गंगा जल पुष्प और बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजन किया जाता है और इसके साथ डमरू बजाकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। माता पार्वती का पूजन स्मरण करके विशेष आराधना की जाती है और जब भी पूर्व शिव जी के ऊपर जलधारा अर्पित करना चाहिए, फिर निम्न मंत्रों का जाप करके शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। शिव जी को प्रसन्न करने के मंत्र है ओम ह्रीम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः। इन मंत्रों का जाप करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें इस दिन। और महेश नवमी के दिन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके 108 बार उपरोक्त मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये दिन महेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है, अतः प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पद की नवमी तिथि को महेश नवमी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और अब जानते हैं महेश नवमी व्रत के नियम। महेश नवमी व्रत करने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें और निकटतम शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को दूध बेलपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ व्रत के दौरान एक समय भोजन करें। भोजन में फलाहार या सात्विक आहार लें, प्याज जैसे मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें और दिन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, शिव चालीसा शिव पुराण आदि का पाठ करें और महेश नवमी की कथा सुने। महेश नवमी की व्रत कथा सुनने से आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी और इस दिन सायकाल शिव मंदिर में जाकर महाआरती में शामिल हों और शिव जी की वंदना का गायन करें। रात्रि में जागरण करें, भगवान शिव के गुणों का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करें और फिर अगले दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। महेश नवमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत विशेष रूप से महेश्वरी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इसे भगवान शिव का आत्मभाव हुआ था, इसीलिए इसे महाशिव जयंती भी कहा जाता है। तो ये थे महेश नवमी व्रत के नियम। महेश नवमी व्रत करते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिले किसी नई पोस्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को महेश नवमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या बता रहे हैं, हम भी वर्षी सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी संगी साथी हमारा सहयोग करेंगे, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।